रेड करी वेजिटेबल्स के लिए सबसे पहले हम वेजिटेबल्स को कट करेंगे। बेबी कॉर्न, इसको हमने हल्का सा बॉईल किया है। वेजिटेबल बनाने के लिए सबसे पहले पैन में तेल गरम करेंगे। इसमें बैंगन डालेंगे। थोड़ा सा बैंगन जब भुन जाएगा, थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, तब इसे निकाल कर हम अलग रख देंगे। कुक हो रहा है, हम दूसरे इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। इसकी दूसरी तरफ पेस्ट डालेंगे। लेमन ग्रास, बारीक कटा हुआ, जो इसमें इस सब्जी के टेस्ट को बहुत अच्छा बनाएगा। उसमें हमने रेड करी पेस्ट, बेसिल और लेमन ग्रास डाले। अब इसमें डालेंगे हम कोको। व्यंजन में कोकोनट मिल्क बहुत ज्यादा यूज किया जाता है और आप सब जानते हैं कि कोकोनट मिल्क काफी और इतनी देर में हमारे बैंगन भी हो गए होंगे, सॉफ्ट हो गए होंगे। बैंगन भी हम इसमें थोड़ा सा कोकोनट मिल्क बचा हुआ है, जिसमें मैं कॉर्नफ्लोर मिक्स कर रही हूं। कॉर्नफ्लोर इस सब्जी को गाढ़ा करेगा। बचे हुए कोकोनट मिल्क में कॉर्नफ्लोर मिक्स करके इसे मैं सब्जी
पहले हमने बेबी कॉर्न, गाजर और ब्रोकली को हाफ बॉईल किया, उबाल के अलग रखा। 1 टेबल स्पून तेल में बैंगन को फ्राई किया, फिर से तेल गरम किया, उसमें हमने डाले रेड थाई पेस्ट, फिर उसमें डाले हमने लेमन ग्रास, फिर बेसिल, कोकोनट मिल्क और फिर उसमें डाले सारी सब्जियां, नमक, लाल मिर्च पाउडर, ये सब डाला और तैयार हो गया हमारा रेड करी वेजिटेबल, जिसकी एक अलग ही खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छी खुशबू। सर्विंग बाउल में डालेंगे। इसे डेकोरेट करेंगे गाजर के फ्लावर से।